नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 के अंदर अनिवार्य अंग्रेजी का जो प्रकरण था, यानी 2016 संशोधित लेवल द्वितीय के अंदर अंग्रेजी अनुसूचित क्षेत्र के लगभग 86 ऐसे पात्र अभ्यर्थी थे जिसकी सूची मंगलवार को जारी कर दी गई। अपने इस खबर पर पूरी चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस आर एस स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलो दोस्तों, पढ़ते हैं पूरी खबर क्या कुछ इसमें कहा गया है। रीट भर्ती 2016 अनिवार्य अंग्रेजी प्रकरण, 86 पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी। पत्रिका न्यूज नेटवर्क से यह खबर है। बीकानेर राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 संशोधित लेवल द्वितीय अंग्रेजी अनुसूचित क्षेत्र के 86 पात्र अभ्यर्थियों की सूची मंगलवार को जारी कर दी गई। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किए कि इन पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश आचार संहिता के बाद होंगे। शिक्षक भर्ती 2016 संशोधित अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र के लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पद के लिए जिन अभ्यर्थियों का नाम शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें 30 अप्रैल तक निदेशालय में दस्तावेज अभ्यावेदना प्रेषित करने का आदेश दिया है। इसके बाद प्राप्त किसी भी अभ्यावेदना पर विचार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती 2016 संशोधित लेवल द्वितीय अंग्रेजी अनुक्षेत्र के पदों पर सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति 11 सितंबर 2016 में ऑनलाइन आवेदन पत्रों से संबंधित डाटा में अभ्यर्थी की ओर से भरी गई सूचना के आधार पर पंचायती राज विभाग के 30 अगस्त 2018 विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार गैर अनुक्षेत्र के विज्ञप्ति पदों की सीमा तक नियमानुसार अभ्यर्थियों का चयन कर 25 जनवरी 2018 को वर्गवार अंतिम कट ऑफ मार्क्स एवं चयन सूचियां जारी की गई थी। आगे हाईकोर्ट से राहत के बाद ही स्वीकृति। अभ्यर्थी वेदपाल धानोठी ने बताया कि हाईकोर्ट जोधपुर की सिंगल व डबल बेंच में जीत के बाद राज्य सरकार ने उक्त अनिवार्य अंग्रेजी डिग्री को वैकल्पिक अंग्रेजी के बराबर स्वीकृति देते हुए फरवरी माह के अंत में निदेशालय को पालना स्वीकृति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। परिणाम स्वरूप उक्त डिग्री उत्तीर्ण सैकड़ों अभ्यर्थियों को रीट भर्ती 2018 में नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन रीट भर्ती 2016 में डिग्री के समकक्ष से सवाल के बाहर किए गए 107 अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। यह वैकल्पिक विषय नहीं था तो माना अपात्र। पंचायती राज नियम के अनुसार द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल द्वितीय के अंग्रेजी पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताओं के साथ साथ स्नातक में अंग्रेजी वैकल्पिक विषय अनिवार्य है। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के समय जिन अभ्यर्थियों को स्नातक के तीनों वर्षों में अंग्रेजी वैकल्पिक विषय नहीं रहा, उनको अपात्र किया गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट, यानी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 के अंग्रेजी अनिवार्य विषय के संबंध में ये बड़ी अपडेट थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ बड़ी अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।